हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टिक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडसेंस की कंट्री वाइज सीपीसी के बारे में। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जैसे कि मैं मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन कर चुका हूं और यहां पे एक सेक्शन मिल जाता है कंट्री का सेक्शन। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पे कंट्री का सेक्शन मिल चुका है। यहां पे इंडिया से मुझे अर्निंग हुआ है $38.67, जो कि यहां पे सही से शो करेगा। 7 डेज में देख सकते हो, इंडिया में $38.67, मतलब 26.6K व्यू पे मुझे मिला है $38। एंड यहाँ पे क्लिक्स देख सकते हो 1.66। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का देख सकते हो, यूएस का $26 मिला है, जबकि यहाँ पे ओनली 629 पेज व्यू है एंड क्लिक ओनली 58 क्लिक है। सिमिलरली सिंगापुर में देख सकते हो 9.78 अर्निंग हुआ है, यहाँ पे पेज व्यू 988 एंड 76 क्लिक हुआ है। सो इसको जस्ट हम चेंज कर लेते हैं, सीपीसी कर लेते हैं, तो सीपीसी मुझे यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया का सीपीसी कितना खराब मुझे मिल रहा है, 0.02 मिल रहा है इंडिया का सीपीसी। एंड यहाँ पे देख सकते हो, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट का सीपीसी जो मिल रहा है 0.46, जो कि अच्छा ही है। 0.46 कभी मिलता है 0.58, इसके आसपास ही सीपीसी यूनाइटेड स्टेट का मिलता है, यूएस का। ओके, एंड सिंगापुर का सीपीसी देख सकते हो 0.13, जो कि इंडिया से काफ़ी बेहतर है। एंड बाकी नेपाल का देख सकते हो, बहुत ही कम सीपीसी, 0.01 0.01 बांग्लादेश का भी मिलता है। एंड व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। इनिशियली अगर आपका कम व्यू आता है तो सीपीसी अच्छा मिलता है, मगर जब व्यू आपका बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट, थोड़ा कम मिलता है, मतलब सीपीसी थोड़ा वैरी करता है। मैं आप लोग, अगर आपके पास 2-3 एडसेंस अकाउंट है तो आप लोग तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टोटल ओवरऑल सभी कंट्री का सीपीसी हम यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए 0.1 सीपीसी, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के लिए 0.18 सीपीसी। सो मैक्सिमम सीपीसी जहां पे मिलता है वो है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का ही सीपीसी सबसे ज्यादा है, जो कि $40.46, मतलब सिंगल क्लिक पे $0.46 मिल जाता है, मतलब लगभग आधा डॉलर मिल जाता है यूनाइटेड स्टेट का, मतलब एक क्लिक आया तो आधा डॉलर बन जाता है। सो देख सकते हो, मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से क्लिक्स आ जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं व्यू आता है, तो देख सकते हो इतना ही व्यू पे कितना डॉलर बन चुका है। ओनली 629 व्यू पे देख सकते हो $26.43 बन चुका। एंड यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे 26,561 इंडिया व्यू पे ओनली $38 ही बना है। सो बाकी कंट्री के लिए ये सब सीपीसी जो मिलता है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। बाकी कंट्री के लिए उतना अच्छा सीपीसी नहीं मिलता है। सो मेनली यूनाइटेड स्टेट के लिए अच्छा सीपीसी मिलता है। यहाँ पे स्पेन के लिए भी हम देख रहे हैं कि यहाँ का सीपीसी 0.12 है, जो कि ठीक ठाक है। एंड यहाँ पे रोमानिया का भी सीपीसी 0.11 है, जो कि ठग बोल सकते हैं। नीदरलैंड का भी सीपीसी सही है। इसके बाद यहाँ पे कनाडा का सीपीसी देख सकते हो $0.31, जो कि बहुत ही तगड़ा मुझे लगता है सीपीसी के मामले में कनाडा। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का भी सीपीसी ठीक ठाक मिलता है, जर्मनी का भी अच्छा ही सीपीसी मिलता है। सो मेनली अगर आप लोग फॉरेन कंट्री को टारगेट करते हो, तो मेरा यही कहना रहेगा कि यूएस को टारगेट करो। सेकेंड जो कंट्री मिलेगा यहाँ पे फॉरेन कंट्री को अगर टारगेट करते हो, तो यहाँ पे कनाडा को टारगेट कर सकते हो, जर्मनी को टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे सीपीसी अच्छा खासा मिल जाता है।
That's it for today's video. I hope कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. So दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ. Till then have a great day. Bye bye and take care.